कि आज आपको ऐसा गम हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में कुछ ठीक नहीं चल रहा, आपके प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं के द्वारा आपके कार्य में बाधा डाली जा रही है। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी आशा के अनुसार धन लाभ ना हो ऐसा संभव है। आय के नए स्रोत के निर्माण की दिशा में पूर्व काल में आपके द्वारा किए गए प्रयास आज सफल हो सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में जिनके प्रारंभिक दौर में कुछ हद तक प्रतिकूलता रहेगी, लेकिन दिन पूरा होने तक आपकी योजनाएं आपकी आशा के अनुसार आगे बढ़ेगी। महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में कुछ हद तक विलम्ब हो सकता है, लेकिन यह विलम्ब तकनीकी कारण से होगा। शेयर बाजार में निवेश के लिए दिन अनुकूल और सकारात्मक है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ निवेश करें, आवश्यकता से ज्यादा आर्थिक जोखिम ना उठाएं। व्यवसायिक योजनाओं के बारे में परिवारजनों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और विचारना होगी। स्वास्थ्य के मामले में भी आज आप बाध्यकारी साबित होंगे। आरोग्य से जुड़ी हुई कोई पुरानी समस्या आज समाप्त हो सकती है या कम गंभीर हो सकती है। जिनके उत्तर आज में अचानक से किसी पुराने संयोजन से आपकी मुलाकात हो सकती है। बहुत लंबे अंतराल के बाद पुराने संपर्क फिर से स्थापित हो सकते हैं। मकर राशि वाले लोगों को जहाँ तक संभव हो आज किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक लेनदेन नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आर्थिक विश्वासघात के साथ साथ रिश्तों का नुकसान भी आपको भुगतना पड़ सकता है। महिला वर्ग के लिए और बुजुर्गों के लिए भी दिन लाभदायी साबित होगा। कुल मिलाकर मकर राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा।